प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूँ देव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द नॉलेज आइलैंड। और आज हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसके बारे में आप लोग बहुत बार ऑलरेडी सुन चुके होंगे। टॉपिक का नाम क्या है? रेजोनेंस। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। आखिर रेजोनेंस क्यों होता है और रेजोनेंस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है? तो रेजोनेंस को आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी रेजोनेंस से रिलेटेड डाउट नहीं बचना चाहिए। तो रेजोनेंस क्या होता है ये बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है, तो आज के बाद बच्चों आपको बिल्कुल ही ये क्लियर होने वाला है कि आखिर रेजोनेंस क्या होता है और उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए बच्चों आज का वीडियो शुरू करते हैं। और रेजोनेंस समझने से पहले हमको क्या समझना होगा कि आखिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखिए ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये समझो, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधे लोगों को रेजोनेंस इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि उन्हें पहले ये चीज़ मालूम नहीं कि आखिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज़ का क्या होता है। समझो तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई भी बॉडी जो ऑसिलेट करने की क्षमता रखता है, समझो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, कि कोई भी बॉडी जो ऑसिलेट कर सकता है, ठीक है? तो जो ऑसिलेट करेगा, मान लो ये एक पेन है तो इसको ऑसिलेट करेंगे, जब कोई भी बॉडी ऑसिलेट कर सकता है तो उसकी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है कैसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है? तो आइए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल समझाता हूँ ताकि आपको समझ में। जैसे देखिए मेरे हाथ में क्या है, एक धागा है, रस्सी लिया हूँ और एक यहाँ पे एक बॉब लटका हुआ, ठीक है? तो अब इसको ये सिस्टम क्या बेटा, एक लेंथ है, ठीक? ये एक पेंडुलम की तरह काम करेगा, तो इसकी एक अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। कैसे, देखो मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देता हूँ, तो ये ऑसिलेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। देख रहे हैं कि ये इधर जा रहा है इधर आ रहा है, देख पा रहे हैं? मैं इधर से देखा तो देखो ऐसा, मैं इसे थोड़ा स्ट्रेच करके छोड़ रहा हूँ, तो देखो ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है अपना मोशन को, ये जा रहा है फिर आ रहा है, जा रहा है फिर आ रहा है। देखो मैं छोड़ रहा हूँ फिर से, देखो ये क्या हो रहा है कि जा रहा है आ रहा है फिर जा रहा है फिर आ रहा है, ठीक है? तो इसमें बच्चों समझना ये है कि आखिर इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है? पहले मैं लिख देता हूँ, समझो एक क्या है, ये एक पेंडुलम है, एक रस्सी से मैंने एक मास को लटका दिया है, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया हूँ, तो ये क्या हो रहा है, ये जा रहा है फिर वापस यहाँ आ रहा है फिर जा रहा है फिर आ रहा है, आप देखें तो इसका जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है वो क्या होता है, 2π√L/g। इसका मतलब जो उसका टाइम पीरियड है बच्चों, टाइम पीरियड मतलब देखो मैं समझा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ऑसिलेट कर रहा हूँ, ऐसे छोड़ रहा हूँ, ठीक? तो देखो ये जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड करेगा, इस लेंथ पे डिपेंड करेगा। ये टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और ग्रेविटेशन पे, इसी पे डिपेंड कर रहा है कि ग्रेविटी कितना है, दो चीज़ों पे। तो ये डिपेंड नहीं करेगा कि मैं इसे कितना, मतलब इसका मास क्या, इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, प्लस कितना मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, मैं थोड़ा स्ट्रेच करके भी छोड़ूंगा तो भी जो इसका ओसिलेशन टाइम पीरियड मतलब ये यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ गया और फिर यहाँ आया, एक कंप्लीट साइकिल में, या नहीं तो ये यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस आया, तो ये एक पूरा टाइम पीरियड सा कहलाता है। यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ गया और फिर वापस आया, ये भी कहलाएगा, या मेन पोजीशन से इधर गया फिर वापस आया और फिर मेन पोजीशन पे आ गया, ठीक है? तो एक इसका कंप्लीट ओसिलेशन, एक ओसिलेशन में कितना टाइम लगा वो इसका टाइम पीरियड कहलाता है बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पर वही समझना है कि जो टाइम पीरियड है ये इसका लेंथ और इस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब इस पर डिपेंड नहीं करेगा, मैं एक बार थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ूंगा तो ये देखिए धीरे धीरे चलेगा, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा एक कंप्लीट ऑसिलेशन में। थोड़ा दूर से छोड़ूंगा तो क्या होगा, अब ये थोड़ा और तेज़ चलेगा, बट जो टाइम लगेगा एक बार ऑसिलेट होने में, चाहे मैं थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ूं या फिर ज़्यादा डिस्प्लेस करके छोड़ूं, दोनों ही केस में बच्चों टाइम सेम लगता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं, बड़ा आश्चर्य बात है कि सोचो एक बार मैं इसे ज़्यादा डिस्प्लेस करके छोड़ दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है, मतलब हम लोग कुछ फोर्स नहीं लगा रहे, ये ऑटोमेटिकली सिर्फ ग्रेविटी कारण हो रहा है। तो ये नेचुरल, इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी। तो इस सिस्टम का एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, क्या है इसका एक टाइम पीरियड। फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रिक्वेंसी होता है 1/t, ये होगा फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है, कितना साइकिल होगा एक सेकंड में, तो इसका लिखेंगे इक्वल टू क्या होगा, 1/2π हो जाएगा, इंटू रेसिप्रोकल तो g/l ये, ठीक? तो फ्रिक्वेंसी इसकी जो भी है क्या है, ये लेंथ पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है इस सिस्टम की, ठीक है? मैं ये एक ले रहा हूँ और उसका एक क्या है, ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ो या ज़्यादा ज़्यादा करेंगे तो ये थोड़ा तेज चलेगा, लेकिन जो एक कंप्लीट रोटेशन होगा उसका टाइम सेम है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी इसका एक फिक्स है, हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेंथ फिक्स है और सिर्फ लेंथ पे ही डिपेंड कर रहा है, तो लेंथ फिक्स है तो इसका फ्रिक्वेंसी फिक्स है। इसका मतलब इसको ज़्यादा डिस्प्लेस करके छोड़ो
या थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ो, तो भी जो इसका एक ओसिलेशन का टाइम वो क्या बेटा कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी इसके कांस्टेंट, ये क्या इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये समझो पहले, ये क्या है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये सिस्टम क्या कर रहा है, ओसिलेट कर सकता है, ये एक सिस्टम है जो ओसिलेट कर सकता है, इसका मतलब इसका एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो ऑलरेडी लेंथ पे डिसाइडेड है। ठीक, तो ये लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये एक बात हुई नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और देखिए कहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी आता है, जो भी सिस्टम ओसिलेट कर सकता है वो सारे सिस्टम का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, वो डिपेंड करेगा कि क्या होगा नहीं होगा। देखो जैसे एक मान लो स्प्रिंग लगा हुआ है बच्चों, ठीक, और यहाँ एक मास से मैंने लगा दिया और ये ऐसा किया हुआ, ठीक, और ये वीडियो बच्चों 9-10 बच्चे के लिए ही है, ये ज़्यादा एडवांस वीडियो नहीं बच्चा बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक मास है और स्प्रिंग है, तो मैं क्या करूँगा इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके, थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ दूंगा, तो ये क्या होगा, ये ब्लॉक आगे जाएगा फिर पीछे आएगा फिर आगे, तो ये क्या करेगा ऑसिलेट करेगा, ठीक है, ये ब्लॉक आगे जाएगा फिर पीछे, थोड़ा स्ट्रेच करके मैं छोड़ दूंगा स्प्रिंग को, तो क्या होगा ये वापस आएगा फिर आगे जाएगा फिर पीछे, ऐसा चलता रहेगा। तो इसका भी क्या होता है, एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ये ऑसिलेट कर सकता मास, और यदि ज़्यादा स्ट्रेच करके छोड़ेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, बट इसका जो मेन पोर्शन समझो ये यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से वापस आएगा और फिर यहाँ आएगा, ठीक है, फिर यहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ वापस आया, तो ये पूरा एक साइकिल हुआ। तो इसका एक टाइम पीरियड, फिर उससे फ्रीक्वेंसी, देखो इसका जो टाइम पीरियड आता है क्या आता है, 2π√m/k होता है, m यहाँ पे मास पे डिपेंड करेगा कि इसका मास कितना है, प्लस ये k स्ट्रिंग, ये जो स्प्रिंग है उसके एक स्टिफनेस कॉन्स्टेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये सब फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, मैं बस बता रहा हूँ कि इसका क्या क्या होता है, ठीक है, आपको बस ऐसे इन्फॉर्मेशन लेना, आपको बस अभी ध्यान क्या रखना है कि जो सिस्टम ओसिलेट कर सकता है उसका एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है। और ये बड़े ही अजीब बात है, सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, मास और के पे, एम्पलीट्यूड पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि मैं इसे कितना डिस्प्लेस करके छोड़ रहा हूँ, मैं इसे थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो ये धीरे धीरे चलेगा, लेकिन जो टाइम पीरियड लगेगा वो सेम, ज़्यादा स्ट्रेच करके छोड़ूंगा तो भी ये तेज़ी से चलेगा, लेकिन टाइम जो एक ओसिलेशन का है वो सेम रहता है। तो ये हो गया नेचुरल फ्रिक्वेंसी। और कहाँ का नेचुरल फ्रिक्वेंसी हम लोग को देखने को मिलता है बच्चों, मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ मैं, देखो मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ नेचुरल फ्रिक्वेंसी का, देखो एक ये क्या है, ये हटाओ छोड़ोगे समझो बच्चों कि एक यहाँ पर ये है, ठीक, एक बड़ा सा टब है और इसमें क्या है पानी बहुत सारा, ठीक, पानी है, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो फ्लोट कर सकता है उसको यहाँ पे मैं रखा हूँ, ठीक, एक ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है जो फ्लोट कर रहा है। अब इसको क्या करता हूँ मैं, आप ये खुद से देख भी सकते हैं, मतलब बाल्टी में पानी लेके और एक ऑब्जेक्ट लो जो फ्लोट कर रहा है इसको यहाँ पर रख देंगे, और क्या करेंगे बच्चों, सोचो इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर, इसको थोड़ा पुश करके, इसको थोड़ा सा मैं पुश करूँगा और फिर छोड़ दूँगा, तो क्या होगा ये अप डाउन करेगा, ये क्या करेगा इसको थोड़ा सा पुश करके छोड़ देंगे। ये आप करके भी देख सकते हैं कि पानी में कोई चीज़ रखो जो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में, इसको थोड़ा सा मैंने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो ये अप डाउन करेगा, तो इसका एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा। फ्रिक्वेंसी क्या होगा, ये इसके डिपेंड करेगा मास या किसी चीज़ पे वो डिपेंड करेगा, उसका हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, तो कैसे निकालना उसके लिए थोड़ा फिजिक्स लगाना पड़ेगा, बट उसका एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है ये मैं बता रहा हूँ, कैसे निकलेगा वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो समझो कि इस सिस्टम में एक क्या है, इसका एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, ये ओसिलेट कर सकता है, ठीक है, और वो बिना कोई इंडिपेंडेंट फोर्स के होता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो, ज़्यादा डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो भी ये उसी फ्रिक्वेंसी से ओसिलेट करेगा, मतलब टाइम पीरियड उतना ही होगा, समझो ये हो गया। दूसरा आप देखे होंगे बच्चों, समझो ये गिटार होता है, गिटार में क्या होता है कि दोनों साइड स्ट्रिंग मेरा फिक्स होता है, ठीक है, तो गिटार का भी स्ट्रिंग फिक्स होता है और उसमें थोड़ा टेंशन होता है, तो इसको भी थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ दिया जाए तो ये ओसिलेट करेगा, तो इसका भी एक क्या है नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, क्या है नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ये चीज़ समझो पहले कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक, डिपेंड करे कितना टेंशन वो किस पे डिपेंड करेगा ये सब अलग बात, लेकिन नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है। तो वैसे बहुत सारे सिस्टम है बच्चों हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी दुनिया में, जहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा डिस्प्लेस करने से क्या होता है उसमें ओसिलेशंस आता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, और ओसिलेशन से क्या होता है उसमें एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी सिस्टम की डिफाइंड होती है, उसका एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो उसी से चलेगा, उस नेचुरल फ्रिक्वेंसी समय क्या होता है उसमें हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे होते ओसिलेशंस के समय,
तभी याद रखना, उसीलिए उसको नेचुरल फोर्स बोला गया, मतलब नेचुरल फ्रिक्वेंसी बोला गया, कि वहाँ पे हम लोग कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, वो खुद ही वो उतना कर रहा है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ने से खुद ही ऑसिलेट हो रहा है, उसका होता है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये सिस्टम है, ठीक है, ये अगर इसे मैं, एक तो उसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिए तो उसका ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चों मैं हाथ से इसको ऑसिलेट कराता हूँ ऐसे, तो ये क्या है, ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी कहलाएगा क्या? मैं अभी फोर्स लगा रहा हूँ बट ऑसिलेट भी करा रहा हूँ, ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, क्योंकि मैं हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है, इसको क्या बोलते हैं, फोर्स्ड। ये तो हो गया नेचुरल, एक होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है बच्चों, कि हम कंटिन्यूसली एक फोर्स लगा रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे, मैं एक फोर्स लगा के अपने हाथ से ऑसिलेट कर रहा हूँ। तो इसका जो टाइम पीरियड है, कि हम तो ज़्यादा तेज़ी से भी कर सकते हैं या धीरे भी कर सकते हैं, तो इसका फ्रिक्वेंसी अलग है, क्योंकि मैं हाथों से यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ और मैं एक शिफ्ट करके छोड़ दे रहा हूँ, तो इससे बिना फोर्स का हो रहा है, तो ये नेचुरल कहलाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में जब थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दो, उसको कहते हैं नेचुरल, और कंटिन्यूसली यदि फोर्स लगा रहा है उसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो मैंने भी समझाया कि आखिर नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एक सिस्टम की डिफाइंड होती है, उसके मास पर डिपेंड कर सकता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग पर उसका डिपेंड करता है, क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग डिपेंड करेगा। तो ये होगी पहली बात कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, और ये आपको समझ में आएगा। अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे आखिर रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस बच्चों एक सिस्टम का नहीं होता है, कभी भी एक सिस्टम का नहीं होगा, रेजोनेंस के लिए दो सिस्टम चाहिए, कम से कम दो सिस्टम। बोल बड़ा इंटरेस्टिंग बात है सर, कैसे बच्चा बाटी, सोचो रेजोनेंस एक चीज़ का नहीं होता है, उसके लिए दो चाहिए, तभी तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का मतलब होता क्या है, मैं भी बताऊँगा कि रेजोनेंस कैसे आता है। तो पहले आप नेचुरल फ्रिक्वेंसी समझें, रेजोनेंस के लिए हमेशा दो चाहिए, एक तो जो रेजोनेंस किसी को देगा, मतलब रेजोनेंस जो करवाएगा, और एक जिसका रेजोनेंस होने वाला है। तो क्या होगा रेजोनेंस में, वो अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे चलेगा, किसके द्वारा चलेगा सब देखते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा इसको मैं रब करता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आओ बच्चों ध्यान से सुनो, अब मैं क्या बता रहा हूँ, नेचुरल फ्रिक्वेंसी आपको समझ में आ गया, ठीक। एक सिस्टम का नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी होता है, तो यहाँ पर मैं क्या अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो ले आऊँ, एक मास यहाँ पर है, ठीक है, ये M1 और M2। और पेंडुलम के केस में कितना होता है फ्रिक्वेंसी, मैंने बताया अभी क्या होता है, जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी इसका होगा 1/2 π √g/L, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ, लेंथ कितना उस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें देखो लेंथ किसका ज़्यादा है, ये M1, इसका तो L1 है और ये L2 है, तो L1 मेरा क्या है, L1 ज़्यादा है बच्चों। तो आप बताओ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा किसका होगा, दोनों में नेचुरल फ्रिक्वेंसी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो L1 और L2 में L1 मेरा ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी इसका ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज़्यादा इसका होगा F2 का, क्योंकि लेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जब L2 डालोगे तो क्या होगा, L2 का वैल्यू तो बेटा अंडर रूट में कम आएगा ना, सोचो जिसका लेंथ ज़्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने वाला है, मतलब ये एक यूनिट टाइम में ज़्यादा बार ऑसिलेट करेगा, ठीक। ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी इसका ज़्यादा है। अब देखो क्या कर रहा हूँ, अब मैं अभी M2 को कुछ नहीं कर रहा, ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, M2 को कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको अभी क्या किए, एक ही रस्सी पे ये दोनों बॉब लटका हुआ है, और इसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये ऐसे एक रस्सी है और ये ऐसे लटका हुआ है, ठीक है बच्चों। अब मैं इसे ऐसे करके थोड़ा ऐसे पुश करके छोड़ रहा हूँ, मैंने इसके परपेंडिकुलर इधर ला के छोड़ रहा हूँ, तो ये अब क्या होगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, समझ रहे, तो ये ऑसिलेट, इसको कुछ नहीं दिया, मैं भी इसको पुश करके थोड़ा छोड़ दिया, तो इसको देने से क्या होगा बच्चों, कि ये तो अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे आ जाएगा, ये क्या होगा, नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे अपना चलना चालू हो जाएगा, जो उसका अपना है, ठीक। तो M1 क्या होगा, नेचुरल फ्रिक्वेंसी, तो इसका लिख देता है F1, ठीक। तो अच्छे से लिखता हूँ बच्चों, ये F1 फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, सिर्फ मैंने क्या किया है, M1 को थोड़ा डिस्प्लेस करके इसका मोशन स्टार्ट किया, ठीक, M1 को थोड़ा स्ट्रेच कर छोड़ दिया, ये अभी रेस्ट में था। तो क्या होगा टाइम के बाद, क्या होगा बच्चों, थोड़ी देर बाद क्या होगा, अपने आप से, आप जब ऐसा प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होगा बच्चों, कि इसमें भी ओसिलेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से एनर्जी इधर, एनर्जी बेटा क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, ये जब ओसिलेट करेगा तो इस रस्सी से क्या होगा बच्चों, एनर्जी ट्रांसफ़र, तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र से ये भी क्या होगा, ये भी धीरे धीरे ऑसिलेशन चालू करेगा,
समझो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक ही रस्सी पे दो बॉब रहेगा और इसको आपने सिर्फ डिस्प्ले करके छोड़ दिया, ये ऑसिलेशन कर रहा है अपना नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो इसका F1 है, और ये भी बाद में ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है, करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर को ये भी ऑसिलेशन स्टार्ट करता है। लेकिन इसका फ्रिक्वेंसी क्या होगा ऑसिलेशन का, समझो कि ये तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे कर रहा है जो इसका अपना है, इसका अपना तो कितना होगा ये निकाल सकते हैं, इसका अपना यहाँ से आ जाएगा, L1 डाल दोगे तो इसका अपना है, लेकिन इसको हमने डिस्प्लेस नहीं किया था, ये ऑसिलेट कर रहा है, इसके कारण एनर्जी इसमें गया है और ये ऑसिलेशन इसके कारण से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये नेचुरल नहीं होगा, ये क्या होगा, इसका फोर्स्ड ऑसिलेशन होगा। इसका क्या होगा बच्चों, यही मेन बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हम लोग कुछ नहीं किए थे, हमने इसको थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ा था और इसमें नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेशन हो रहा था और ये बाद में एनर्जी इसमें थोड़ा ट्रांसफ़र हुआ समय के साथ धीरे धीरे, और ये भी फिर एक फ्रिक्वेंसी से चल रहा है, वो फ्रिक्वेंसी क्या है, वो फोर्स्ड ऑसिलेशन से आ रहा है। तो इसका फ्रिक्वेंसी भी F1 ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि सोर्स तो यही है, यहाँ से इसने एनर्जी ट्रांसफ़र किया है, तो जितना फ्रिक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रहा है उसी फ्रिक्वेंसी से ये भी ऑसिलेट करेगा, ये भी F1 से करेगा। तो F1 क्या है बच्चों, F1 तो इसका फ्रिक्वेंसी, इसका नेचुरल, लेकिन इसका नेचुरल तो नहीं है, इसका नेचुरल तो कुछ और है, इसका F2 तो कम है, इसका F2 क्या होगा, जो इसका F2 नेचुरल होगा वो होगा 1/2 π √g/L2, लेकिन अभी ये F1 से कर रहा है, तो F1 फ्रिक्वेंसी क्या है बच्चों, कम, जिसका लेंथ ज़्यादा है, जिसका लेंथ कम है तो उसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा, और जिसका लेंथ ज़्यादा है उसका फ्रिक्वेंसी कम होगा, समझ रहे, लेंथ ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कम, लेंथ कम फ्रिक्वेंसी ज़्यादा। तो यहाँ पे ये अभी क्या हो रहा है बच्चों, ये F1 से चल रहा है, ये समझो कि इसको मैंने मोशन दिया तो ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी चला, लेकिन इसके एनर्जी ट्रांसफ़र इसने किया तब ये ऑसिलेशन चालू किया बच्चों, क्योंकि ये सिस्टम धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफ़र होगा और इसका फोर्स ऑसिलेशन हो रहा है, क्योंकि इसके कारण से इसमें मतलब ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है और उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ही होगी जितना इसका है, इसका F1 है तो इसका भी F1 होगा, तो इस ये लेकिन अभी F1 से चल रहा है, तो F1 इसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी नहीं है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी तो F2 है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में नहीं चल पाएगा, ठीक है, इसको फोर्स लगा रहे तो इसकी नेचुरल नहीं आ रहा है, तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, रेजोनेंस। अगर यदि इसका यदि F1 F2 के बराबर हो जाता उसके नेचुरल फ्रिक्वेंसी के, तब हम कहते कि रेजोनेंस हो गया, दोनों सिस्टम में रेजोनेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो रेजोनेंस कराने के लिए हमको क्या करना होगा, मतलब F1 तो अभी कम है तो फ्रिक्वेंसी कम फ्रिक्वेंसी से लेगा और इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं है, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, तो मतलब ये ऑसिलेशंस एक सिस्टम ये है, ये ऑसिलेशंस ये खुद करवा रहा है और रेजोनेंस इसका होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि इसका बेटा अलग है। तो अब देखो दूसरे केस में क्या करते हैं, अभी मैंने इसको नेचुरल फ्रिक्वेंसी दिया था, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों समझो, अब नेक्स्ट केस में क्या कर रहा हूँ, यही सेम सिस्टम है, अब मैं इसको डिस्प्लेस करके थोड़ा छोड़ दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट केस में क्या होगा सोचो बच्चों, अब ये इस बार आपको खुद ही बताना है, तो इस बार ये क्या होगा, ये तो चलेगा नेचुरल फ्रिक्वेंसी से, ये चलेगा नेचुरल फ्रिक्वेंसी से, ठीक, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया और ये अभी रेस्ट में इनिशियल में, तो ये तो F2 से चलेगा, ये बात समझो, ये F2 से चलेगा क्योंकि इसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी F2 है, इसको थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है बच्चों, ये समझो। अब क्या होगा समय के साथ, फिर अब एनर्जी इधर ट्रांसफ़र होगा, ये एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेगा तो इसका भी ऑसिलेशन स्टार्ट होगा, लेकिन सोर्स ये है तो जिस फ्रिक्वेंसी से ये चल रहा है F2 से, तो ये भी अब F2 से चलेगा, ठीक, तो ये तो नेचुरल हो गया और इसका हम लोग कर रहे हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, समझो बच्चों, ये अब ये F2 है तो ये भी F2 से चलेगा, ठीक। तो F2 क्या इसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, नहीं है, इसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी तो F1 है और F1 कितना था, F1 है बच्चों 1/2 π √g/L1, तो इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी तो बच्चों कुछ और है, F1 है और ये चल रहा है F2 से, मतलब ये भी F2 से चल रहा है, तो इसका फोर्स ऑसिलेशन हो रहा है, तो मतलब इस केस में भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो सर रेजोनेंस कब होगा,
तो रेजोनेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये फोर्स्ड ओसिलेशन में अगर यदि फ्रीक्वेंसी इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, फोर्स्ड ओसिलेशन करा रहे हैं लेकिन जो फ्रीक्वेंसी हम लोग इसको ओसिलेट करा रहे हैं वही जो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्टम का F1 है उतना ही फ्रीक्वेंसी करने लगे, तब कहते हैं रेजोनेंस सिस्टम में आ गया। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक उपाय कर सकते हैं कि दोनों का लेंथ सेम कर दो। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, समझो समझो समझो, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसका लेंथ थोड़ा चेंज करता हूँ। अब मैं क्या किया बच्चों, देखो दोनों का लेंथ सेम कर देता हूँ, L और L। अब क्या होगा, ये M1 है ये M2 है, तो जब लेंथ सेम करेंगे तो दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बच्चों, F1 = F2। तो दोनों का नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होगा वो बराबर आएगा। तो जब मैं इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा तो ये तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से चलेगा ही, प्लस बच्चों ये भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगा क्योंकि इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो इसके बराबर हो गई, क्योंकि लेंथ बराबर हो गया। तो इसका मतलब इसका जो अब ये ओसिलेट करेगा कुछ समय बाद, इसको छोड़ने से ये ओसिलेट करेगा कुछ समय बाद, इसमें एनर्जी आएगा और ये भी चलेगा, तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से चलेगा। तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि रेजोनेंस हो गया, मतलब इस सिस्टम को हमने इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से चला दिया, ये समझो। तो जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस सिस्टम को हमने अचीव करा दिया तो वो भी खुद क्या हो गया, रेजोनेंस में आ गया। तो इसी को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है, कि फोर्स ओसिलेशन तो हो रहा है यहाँ से यहाँ, इसको हमने थोड़ा स्पेस छोड़ा, ये अपना स्टार्ट किया ओसिलेशन, और समय के साथ इसमें एनर्जी धीरे धीरे ट्रांसफर होगा और ये भी ओसिलेट करेगा। तो यहाँ फोर्स ओसिलेशन तो हो रहा है इसके कारण से, लेकिन जो ये जो इसको फ्रीक्वेंसी है वो उसके फ्रीक्वेंसी से मैच हो जा रहा है, तो उसके इसमें रेजोनेंस हो जा रहा है, तो इसे ही हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस सिर्फ ये, तो हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत केस में होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को फोर्स ओसिलेशन कराएंगे, ठीक है, और वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो गया तो वो क्या होगा बच्चों, रेजोनेंस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, उस समय रेजोनेंस अचीव होगा। तो रेजोनेंस अचीव के लिए हमको क्या करना होगा कि फोर्स ओसिलेशन में उस सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी में लाना होगा, ठीक है। तो रेजोनेंस जब होता है तो वो क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वो चलने लगता है सिस्टम, वो दोनों सिस्टम रेजोनेंस में आ जाते हैं, वो दोनों फिर मज़े में रहते हैं बच्चों। तो जब रेजोनेंस हो जाएगा आपका स्टूडेंट टीचर का, तो वो मज़े में रहेंगे, एक ही फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे, तो मैं जो बात कहूँगा वो बात आपको समझ में आएगा, ठीक है। तब एक और मैं अभी लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ नेचुरल फ्रीक्वेंसी समझाने के लिए, फिर देखते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों रेजोनेंस का एक और एग्जांपल लेते हैं, और इस बार तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा कि रेजोनेंस कब होता है। एक तो जो करता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो किसी और को ट्रांसफ़र करेगा, वो जब ट्रांसफ़र करेगा तो उसके वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगा, तो वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से चलेगा, तो कहेंगे कि ये सिस्टम रेजोनेंस में आ गया है भाई, समझो। जब सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करा देते हैं तो कहते हैं उसे बच्चा क्या, रेजोनेंस। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस एक साथ चलेगा, तो ये बात ध्यान रखो। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक ट्यूनिंग फॉर्क, इसका फ्रीक्वेंसी F है बच्चों, और यहाँ पर और एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ये दोनों क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी का मैंने ट्यूनिंग फॉर्क लिया। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, एक बार ऐसे मेटल स्ट्रक्चर होता है और इसको यहाँ पर एकदम मारोगे, एक बार पैड ऐसे मार दोगे, इसको हिट करके छोड़ोगे तो धीरे धीरे अपना बहुत तेज़ी वाइब्रेट करता है। सर ट्यूनिंग फॉर्क अपने अपने लेबोरेटरी में देखा होगा शायद कि एक ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा रहता है मेटल जैसा, और उसको यहाँ पर हिट करने से ये वाइब्रेट करता है बच्चा बहुत तेज़ी से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या है, दो यहाँ पर बक्सा लगा हुआ, पी एक बॉक्स है बच्चों, ये एक बॉक्स है, ये भी खाली बॉक्स है, दोनों ओपन, ठीक है, तो यहाँ एयर आ जा सकता है, ठीक है। ये और यहाँ पे क्या बच्चों, एक यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क, ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पे मैंने एक ये लगाया, एक बॉल है कुछ, ठीक है, इसे जस्ट टच किया हुआ, ये बॉल है, यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट है बच्चों, ये सब कुछ नहीं, यहाँ एक बॉल है, सपोर्ट से यहाँ लटकाया हुआ, ठीक। अब देखो क्या होता है, एक रबर पैड से इसको मारेंगे बच्चों ओसिलेशन स्टार्ट करने के लिए, तो इसको हिट किया तो ये अपना चलेगा एफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसका एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, मैंने बताया ट्यूनिंग फॉर्क का भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, जैसे आप इसको हिट करके छोड़ दोगे तो ये अपना चालू करेगा बच्चों वाइब्रेशन ओसिलेशंस, तो उसके कारण क्या होगा, इससे एनर्जी ट्रांसफर होगा यहाँ पे, और यहाँ भी ओसिलेशन होगा, जो यहाँ एयर है कि एयर क्या करेगा, ये भी ओसिलेट करता है, समझो कि एयर में भी वेव्स जाते हैं बच्चों, एयर में क्या होता है, एक ओसिलेशंस होता है, साउंड आप सुन रहे हैं वहाँ भी एक वेव्स है बच्चों, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है,
कंप्रेशन रेयरफैक्शन प्रेशर चेंज होता है, तो यहाँ पे ये एयर मोलिकुल्स वाइब्रेट होंगे, उसके कारण ये एयर मोलिकुल्स वाइब्रेट होंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एयर मोलिकुल्स से वाइब्रेट हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों ओपन है, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है बच्चों, और फिर ये वाइब्रेशंस यहाँ ट्रांसफ़र होगा इसमें, इससे फिर इसमें आ जाएगा। तो ये क्या देखा गया, जब इसको मारा गया, इसको जब ऑसिलेशन स्टार्ट किया गया, इसको मार के छोड़ देगा, तो ये सारा बच्चों एयर क्या होगा, यहाँ भी मतलब ये रेजोनेंस में आ जाएगा, ऑसिलेशन होगा, और यहाँ पे फिर ऑसिलेशन है क्योंकि फ्रिक्वेंसी मैच हो गया। हमने तो फोर्स ऑसिलेशन किया, हमने इसको सिर्फ मारा, इसको कुछ नहीं किया, ये तो छोटा हुआ था, हमने सिर्फ यहाँ मार के छोड़ दिया, तो यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होते होते यहाँ पे आया, और क्या हुआ, इसके नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच हो गया, जो फ्रिक्वेंसी इसका ऑसिलेशन है, क्योंकि दोनों सेम ही डायमेंशन का है, सेम ही ट्यूनिंग फॉर्क हमने लिया आइडेंटिकल, तो फ्रिक्वेंसी सेम होगा, तो यहाँ से जो जाएगा बच्चों, तो इसके नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच हो रहा है, इधर से तो फोर्स आ रहा है, लेकिन जो आ रहा है वो इसके नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से रेजोनेंस, और अब रेजोनेंस होगा तो क्या होगा बच्चों, ये जैसे ही ऑसिलेट करेगा क्या होगा, ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, तो ये जैसे ही स्टार्ट कर दिया क्या होगा, ये बॉल देखा गया कि ये इधर आ गया, एक जोर का झटका इसको लगेगा और ये बॉल दूर जाएगा, समझेंगे नहीं, ट्यूनिंग फोर्स हटा रहेगा ये दूर जाएगा, और एक आवाज़ भी आएगा बच्चों, समझो कितने जादू हो गए, जादू हुई क्या, नहीं जादू होगा बताओ, हमने सिर्फ यहाँ पे एक रबड़ से कुछ समझो पैड है, उससे हमने यहाँ मार के छोड़ दिया, यहाँ मारा मार के छोड़ दिया, तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ पर यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है, यहाँ से मार के छोड़ दिया गया और यहाँ पर बच्चों इफेक्ट दिख रहा है, समझ रहे हो, ये रेजोनेंस करता है, इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होने से एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रही है, दूर जाएगा, एक फोर्स लेगा, और आप ये देख सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट किया भी गया, तो ऐसे ही रेजोनेंस काम करता है बच्चों, समझ रहे हो, कि फोर्स ऑसिलेशन में सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच करा देते हैं। ठीक, तो आइए बच्चों हम लोग थोड़ा कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, आखिर रेजोनेंस कब होगा। ठीक है, रेजोनेंस के लिए दो सिस्टम चाहिए, मैंने बताया, एक तो जो ऑसिलेशन करवाएगा फोर्स किसी दूसरे सिस्टम में, और सिस्टम का फ्रिक्वेंसी मैच होना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या बच्चों, जो रेजोनेंस करवाएगा, मतलब जैसे मैंने किसी एक सिस्टम को उसके नेचुरल फ्रिक्वेंसी अटेंड करवाई थी, वैसे जो करवाएगा उसका क्या होना चाहिए बच्चों, उसमें एनर्जी होना चाहिए ज़्यादा, मतलब उसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, समझ गए। तो आए बच्चों हम लोग कंडीशन ऑफ रेजोनेंस देखते हैं, रेजोनेंस की कंडीशन, आखिर रेजोनेंस कब होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर केस में हो जाएगा, तो रेजोनेंस होने के लिए क्या चाहिए बच्चों, जिसमें हम लोग फोर्स ऑसिलेशन करा रहे हैं, जो स्टार्टिंग है मेरा, जिसमें हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी करा रहे हैं, बाद में वो किसी और सिस्टम में जाके रेजोनेंस करवाएगा, तो जिस सिस्टम में हम लोग नेचुरल करवाते हैं उसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड थोड़ा सिग्निफिकेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो वाइब्रेशन है बच्चों वो मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन सिग्निफिकेंट का अमाउंट का होगा तभी तो बच्चों एनर्जी ट्रांसफ़र हो पाएगा अच्छे से, समझो इस बात को, अगर यदि नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस और कब होता है बच्चों, समझो जैसे ब्रिज है, मान लो ब्रिज क्या होता है बच्चों, ब्रिज भी एक सिस्टम है, दोनों तरफ से सपोर्टेड रहता है और ये ब्रिज है, समझ लो, तो ब्रिज में क्या होता है, जब सोल्जर्स मार्च करते हैं तो सोल्जर्स को ब्रिज में परेड करने से मना किया जाता है, क्यों किया जाता है, जब बहुत सारे सोल्जर्स ब्रिज में पैरेड करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक रिदम में चलेंगे, तड़ाक तुड़ुक बच्चों देखा होगा आपने, वो क्या करते हैं, एक साथ सारे पैर उठाएंगे, एक साथ सारा पैर रखेंगे, उसके कारण क्या होगा, ब्रिज में बच्चों इसका एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऐप है, ठीक, और बहुत सारे यहाँ पर सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स जब वो करेंगे उसके कारण क्या होगा, एक फ्रिक्वेंसी उसमें आएगा। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो एक मतलब क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, इसमें एक इंड्यूस कर रहे हैं ऑसिलेशन, क्योंकि वो एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, वो खुद एक फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं, अपना जो पैर उठा रहे हैं डाल रहे हैं एक साथ, तो उससे क्या होगा, ये एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसका सिस्टम का है बच्चों, क्योंकि ये भी ऑसिलेट कर सकता है, क्योंकि सस्पेंडेड है दोनों तरफ से रखा हुआ, समझो कि ये ब्रिज क्या होता है, सस्पेंडेड होता है, दोनों तरफ सपोर्टेड है, तो इसको थोड़ा डिस्प्ले, ये इसका एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ब्रिज का है, तो वो अगर यदि सोल्जर्स अटेंड करवा दिए तो क्या होगा, ब्रिज बेटा ऑसिलेशन चालू करेगा, जैसे समझो रस्सी करता वैसे ही ये भी ऊपर नीचे होगा, तो ये क्या होगा, एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से जाएगा और फिर टूट जाएगा बच्चों, क्योंकि ब्रिज तो पूरा
फिक्स चीज़ होता है, वो ज़्यादा ऊपर नीचे ऑसिलेट कर ही नहीं पाएगा, इसीलिए सोल्जर्स को मना किया जाता है ताकि पैरेड ना किया जाए, ब्रिज पे नहीं किया जाए। लेकिन आप समझो एक ही सोल्जर है, मतलब एक दो सोल्जर है, तो एक जो सोल्जर करेगा तो उससे क्या होगा, उतनी एनर्जी आएगी ही नहीं बच्चों, उतना फ्रिक्वेंसी आएगा ही नहीं। एक दो सोल्जर कितना भी पैरेड करे साथ में तो भी इसकी फ्रिक्वेंसी वो अटेंड नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे सोल्जर रहेंगे तभी होगा, एक दो सोल्जर से कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो ये बात समझ में आया होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों, कि जो फ्रिक्वेंसी से हो रहा है, जो फिर जो मतलब करवा रहा है, ठीक है, जो मतलब करवा रहा है, जो रेजोनेंस जो सिस्टम से हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है, तो जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी ऑफ बॉडी या सिस्टम काउजिंग डिबेटा रेजोनेंस काउज करा रहे किसी और में, काउजिंग रेजोनेंस, उसका क्या फ्रिक्वेंसी होना चाहिए, शुड बी इक्वल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, शुड बी इक्वल टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ अदर सिस्टम, या जिसमें हम लोग करा रहे हैं बच्चों, समझो ये बात समझो, कि जो बॉडी काउज करा रहा था किसी और में रेजोनेंस, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो उससे मैच होना चाहिए, या नहीं तो क्या होगा, उसके इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इससे भी होता है बच्चों, अगर उसकी मान लो किसी एक बॉडी, जो मैंने बताया कि दो है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इसकी फ्रिक्वेंसी मान लो यदि 2 है, और इसकी मान लो, इसका मान लेते बच्चों यदि 10 हर्ट्ज है फ्रिक्वेंसी, और इसका 5 हर्ट्ज है, ठीक, यानी तो इसका मान लो, इसका मान लो 15 हर्ट्ज, तो ये इसमें नहीं करा पाएगा, क्योंकि दोनों का नेचुरल फ्रिक्वेंसी सेम नहीं है, ना ही ये इंटीग्रल मल्टीपल है। लेकिन अगर यदि एक का 10 है, ठीक, और ये इसका 20 है, तो हो सकता है बच्चों। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो दो बात आपको याद रखना है कि फिर नेचुरल फ्रिक्वेंसी कब आएगा, तो उसके लिए दो सिस्टम चाहिए, दो सिस्टम काउज कर रहा है और एक सिस्टम जिस पर रेजोनेंस होने वाला है, दोनों सिस्टम मिला के रेजोनेंस होता है, तो जो काउज करता है दोनों फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी बराबर होना चाहिए, यानी तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी एक का दूसरे का इंटीग्रल मल्टीपल होने से ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि रेजोनेंस हो। तो आइए बच्चों हम लोग रेजोनेंस को लास्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सब बहुत सारी बात किए और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब रेजोनेंस का थोड़ा रियल लाइफ देखते हैं, क्या रियल लाइफ में क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे देखो लिया, चार एग्जाम्पल मैंने लिया, ठीक है। तो पहला मैंने लिया म्यूजिक, म्यूजिक आपने सुना बच्चों कि म्यूजिक भी क्या होता है, साउंड वेव है, तो वेव में भी एक फ्रीक्वेंसी है जो रिपीट होता है, ठीक है। तो समझो कि म्यूजिक से मैं क्या ले रहा हूँ, समझो एक वाइन का ग्लास है, समझो एक बेटा ग्लास है, एक वाइन ग्लास, ठीक है, तो उस ग्लास में क्या है, पानी में वाइन रहता है, समझो यहाँ वाइन या फिर कुछ रखा हुआ है, तो जब म्यूजिक बजेगा तो क्या होता है बच्चों, इसमें भी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, यहाँ पे एयर है और पानी है, तो जब म्यूजिक आएगा साउंड जो वेव आएंगे बच्चों, उसके कारण क्या होगा, इस सिस्टम की एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो एयर या ऑसिलेट करने का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ग्लास है तो ग्लास भी बच्चों क्या होगा, क्लास भी ऑसिलेट करेगा, और अगर यदि इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो है वो जो म्यूजिक की है वो दोनों सेम हो गई, तो क्या होगा, फिर से रेजोनेंस, और रेजोनेंस होने से क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा बच्चों, और ग्लास क्या होगा, ग्लास में बेटा वाइब्रेशन चालू हो जाएगा, तो ग्लास क्या हो सकता है, ये टॉपल करे गिर सकता है, ये ग्लास टॉपल भी हो सकता है या फिर ग्लास ब्रेक भी हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल है कि आप यदि म्यूजिक बजा रहे हैं और कभी कभी क्या होगा कि ग्लास आपको देखेगा टूट जाएगा, जो वाइन का ग्लास, समझो कितना अमेजिंग बात है। दूसरा देखो जो ब्रिज, ब्रिज का अभी मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दिया कि ब्रिज का एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है जो भी सिस्टम ऑसिलेट कर सकते हैं, तो यदि उसमें सोल्जर्स मार्च करेंगे पैरेड करते हुए, एक साथ पैर उठाएंगे, एक साथ पैर रखेंगे, फिर उठाएंगे, फिर रखेंगे, उसके कारण एक ऑसिलेशंस आएगा, तो फोर्स कर रहे हैं ब्रिज को, एक एनर्जी दे रहे हैं कि ऑसिलेशन कर रहे हैं, उसके कारण ब्रिज टूट सकता है बच्चों, ये दूसरा है। तीसरा क्या है बच्चों, आपने सुना हो कि जब बस होता है, बस में आप लोग सभी चढ़े हैं बच्चों, तो बस का जो इंजन होता है वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा मोटर्स लगा रहता है, घूमते रहता है, तो उसके कारण जो इंजन है बट इंजन में एक तरह का वाइब्रेशन आ जाता है कभी, ठीक है। तो इंजन में वाइब्रेशन से क्या होता है, इंजन जब वाइब्रेट करेगा, और बस एक पूरा बड़ा सिस्टम है, तो इंजन में वाइब्रेशन कारण क्या होता है,
कि पूरे बॉडी बस में भी वाइब्रेशन आता है, समझे, जो भी सिस्टम है बस भी एक पूरा सिस्टम है, उसकी भी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, तो इंजन का वाइब्रेट होने से पूरा बस को वो वाइब्रेट करता है, समझ रहे हो। तो रेजोनेंस में आने से क्या होगा कि बस में भी पूरा वाइब्रेशन चालू होता है, और बस में जब वाइब्रेशन होगा तो आपको सुनाई देगा आवाज़ बहुत सारा अजीबोगरीब, तो बस में देखा होगा बहुत सारा आवाज़ होता है, तो आवाज़ इसलिए आता है क्योंकि इंजन जब वाइब्रेट करेगा तो पूरा बॉडी भी कभी कभी, तो रैटलिंग साउंड उसको बोलते हैं, आप सुने होंगे कि बस में जब बैठोगे तो बहुत सारा कभी आवाज़ आता है, चैचा कर, मतलब बस में अजीब टाइप का आवाज़ आएगा कभी कभी, क्योंकि इंजन से जो वाइब्रेशन आ रहा है वो रेजोनेंस कर जा रहा है जो उस बस के सिस्टम का जो वाइब्रेशन है, ठीक है। ये तीसरा एग्जाम्पल। चौथा क्या बच्चों कि आप देखो ये वेव्स की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी वो सिलेंडर ट्रांसमिशन ऑफ वेव, आप रेडियो, आप जो रेडियो सुने होंगे, जो रेडियो होता है बच्चों, आप रेडियो चलाते क्या करते हैं, कौन सा फ्रिक्वेंसी मैच कराते हैं। आजकल तो पता नहीं बच्चों, आप तो सब यूट्यूब में ये सब देखते हैं, पहले जमाने में रेडियो होता था या फिर टेलीविज़न में हम लोग एंटीना लगाते हैं बच्चों, तो वहाँ पर क्या होता है जो वेव्स आता है ये कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसका भी एक फ्रिक्वेंसी होता है बच्चों, तो जो वेव मेरा आ रहा है, ठीक है, तो वेव की एक फ्रीक्वेंसी है, और आपके जो एंटीना या रिसीवर है उसका भी एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो जो सेट है उसका फ्रीक्वेंसी अगर तो उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो गया, जो वेव आ रहा है और आपके सिस्टम में जो एंटीना है या फिर जो रिसीवर उसकी फ्रीक्वेंसी है उससे मैच होता है, तभी वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ओसिलेट होता है, उसके कारण से फिर इंफॉर्मेशन आपके मतलब रेडियो में आता है सिग्नल, या नहीं तो टीवी में आता है, तभी आप देख पाते हैं। तो यहाँ भी रेजोनेंसी लगा हुआ है, समझो कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि आप जो टीवी देख पा रहे हैं, मैच देख पा रहे हैं, घर में बैठ के आप मैच देख रहे हैं, तो कहाँ से मैच देख रहे हैं, कहीं से टेलीकास्ट किया जा रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आ रहा है, और वही वेव से आपके जो रिसीवर वहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, वहाँ से फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से तो सिग्नल फिर ट्रांसफर हो जाता है बच्चों, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन समझो वहाँ भी रेजोनेंस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो आई होप बच्चों आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि रेजोनेंस क्या होता है, और मैं अपने ओर से कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझे, क्योंकि इतना डिटेल में मैंने नहीं देखा कहीं कोई मतलब टीचर इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो रेजोनेंस के बारे में, क्योंकि बहुत लोग तो सिर्फ रेजोनेंस बताते हैं लेकिन नेचुरल फ्रिक्वेंसी नहीं बताते, क्योंकि पहले नेचुरल फ्रिक्वेंसी जानना जरूरी है, और फिर कि फोर्स ओसिलेशन कैसे होता है ये भी जानना जरूरी है, तभी तो बच्चों रेजोनेंस आएगा, ठीक है। तो आपको बच्चों समझ में आया होगा कि रेजोनेंस क्या है, इससे रिलेटेड बहुत सारी हमने बातें की, तो मिलते हैं हम लोग बच्चों अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो समझ में आया हो, मज़ा आया हो देखने में, तो दोस्तों को बताओ कि आखिर रेजोनेंस क्या होता है, हर किसी को जानना चाहिए बच्चों, कि फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं बता रहा हूँ, ये थ्योरी पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजोनेंस क्या होता है, ये जानना ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बड़ा ही मज़ेदार कंसेप्ट था। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।